हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो म्यूजिक या फिर सिंगिंग से रिलेटेड है। अगर आप लोग गिटार सीख रहे हो या फिर सीखना चाह रहे हो तो इस वीडियो में हम लोग योरेज का 038C अकोस्टिक गिटार का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना प्रोडक्ट इसका हम लोग अनबॉक्स करते हैं। इससे पहले मैंने ये प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको अगर खरीदना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो। तो अभी हम लोग इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करते हैं। One hour later. Two hours later. अभी हम लोग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ हम लोग को और कौन सी एक्सेसरीज दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इस गिटार का आप लोग फर्स्ट इम्प्रेशन देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है दिखने में, अट्रैक्टिव है और इसका फिनिशिंग भी आप लोग देख सकते हो, एकदम परफेक्ट फिनिश किया गया है। तो अभी हम लोग इसके साथ और कौन सी चीजें दी गई है वो देखते हैं और इसके बारे में आगे हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। इसके साथ हम लोग को एक कैरी बैग दिया है गिटार का और इसके अंदर हमें एक शोल्डर स्ट्रैप दिया गया है, स्ट्रिंग्स है और पिक्स दिए गए हैं दो। इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो अभी हम लोग इस गिटार के फीचर्स को देखते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो इसका कलर ब्लैक फिनिश है और इसका बॉडी जो है पूरा बॉडी मतलब बैक फ्रंट वो सभी लेंडिन वुड से बना हुआ है। इसका जो फ्रेटबोर्ड है वो इबोनी वुड से बना हुआ है और इसको जो स्ट्रिंग्स है वो नायलॉन की स्ट्रिंग्स है, छह स्ट्रिंग्स। इसका ब्रिज है वो प्लास्टिक से बना हुआ है और ये आपका मशीन हेड्स और ट्यूनिंग पेक्स है वो आप लोग देख सकते हो कि इजी है, मतलब स्मूथ है, ज्यादा लूज भी नहीं है और टाइट भी नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो इस गिटार में 18 फ्रेट्स है जो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे है। तो अभी हम लोग गिटार खरीदने से पहले या फिर खरीदने के बाद एक कौन सी चीजों को हम लोग को देखना है, ध्यान में रखना है वो हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज है वो ये जो आपको फ्रेटबोर्ड दिखाई दे रहा है ये और ये जो स्ट्रिंग्स है इसके बीच में गैप 5mm से कम रहना चाहिए, 3-4mm रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। सेकेंड चीज जो आपको देखनी है वो ये जो ट्यूनिंग कीज है, ट्यूनिंग पेक्स, ये ज्यादा भी टाइट या फिर लूज नहीं रहना चाहिए, ये स्मूथ रहेगा तो अच्छा है। इसके बाद हम लोग को देखना है बॉडी में अगर कोई क्रैक्स है कि नहीं वो उनको चेक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट वो रहता है वो नेक के बाजू में जो ये जो एरिया है यहाँ पे क्रैक आया रहेगा तो आपको देखना है, अगर रहेगा तो रिप्लेस कर दो। इसके बाद हम लोग को नेक चेक करना है, नेक अगर बेंड रहेगा तो वो भी मतलब गिटार के लिए अच्छा नहीं है, मतलब साउंड के लिए, तो आपको चेक करना है। तो ये कुछ और एक बात बची है, ये जो ब्रिज है ये भी प्रॉपर है कि नहीं वो आप लोग को देखना है 2290 रुपीज में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए या फिर इस वीडियो के बारे में कोई डाउट रहेगा तो कोई बात नहीं पता नहीं होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय।